नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम आपको सिरसा लोकसभा सीट के सभी उन पार्टियों के उम्मीदवारों की संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं जो इस समय सिरसा लोकसभा से मैदान में हैं। हरियाणा के गठन के बाद सिरसा सीट पर कांग्रेस और लोक दल का दबदबा रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इलेनो ने अपने वर्तमान सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को उम्मीदवार बनाया है जो इससे पहले भी सिरसा के सांसद हैं तथा उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर को हराया था। विरोधी गांव के निवासी हैं तथा मेंबर पंचायत से लेकर के गांव से लेकर के संसद तक पहुंचे। वहीं दूसरी ओर अशोक तंवर सिरसा से तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 में सिरसा में पहली बार चुनाव लड़े थे तथा उन्हें राहुल गांधी का सहयोगी होने का लाभ मिला था जिससे सिरसा इनेलो को गढ़ माने जाने वाली जगह पर भी वे विजयी हुए थे। अब वे तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तेज तरार उम्मीदवार सुनीता दुग्गल को चुनाव मैदान में उतारा है जिन्होंने 2014 में सिरसा से चुनाव लड़ने के लिए IRS का त्याग पत्र दिया था मगर उस समय हजका और भाजपा का समझौता होने के कारण वह सिरसा सीट हजका को मिलने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाई थी। इस समय उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उधर नई नवेली JJP ने निर्मल सिंह मल्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है जो कि 2014 में गोपाल कांडा की पार्टी से कालावाली से चुनाव लड़े थे। 37 वर्षीय निर्मल सिंह मल्डी कुछ महीने पहले ही JJP में शामिल हुए हैं तथा उन्हें युवाओं का समर्थन मिलने की आशा के अंतर्गत JJP ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अभी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी वह बहुजन समाज पार्टी ने भी जनक अठवाल को चुनाव मैदान में उतारा है जो पत्रकारिता के साथ साथ वकालत के पैसे से संबंधित है तथा फतेहाबाद के निवासी हैं। तो ये थे इन सभी पार्टियों के वे उम्मीदवार जो इस समय चुनाव मैदान में हैं। ताज़ा खबरों और नई अपडेट के लिए फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए पल पल।